सब्सक्राइब कीजिए इंडियन गर्ल चैनल त्रिशा को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. हाय फ्रेंड्स, मेरे आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ दो बहुत ही सिंपल एंड ब्यूटीफुल लुकिंग हेयर स्टाइल जो आप हर रोज़ के लाइफ में ट्राई कर सकते हैं। इवन आपकी हेयर अगर शॉर्ट या फिर मीडियम हो तो भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को देख लेते हैं। सबसे पहले अपने हेयर को डिटेंगल कर लीजिए। मैंने अपने हेयर में साइड पार्टीशन कर लिया है। अब फ्रंट से हेयर सेक्शन लेके काइंड ऑफ साइड प्रूफ क्रिएट कर रही हूँ लाइक दिस। अब एक बॉबी पिन से इसे सिक्योर कर लीजिए और फिर हेयर से बॉबी पिन को हाइड कर लीजिए। अब अपने सारे हेयर्स को साइड में लाके इलास्टिक से टाई करना है। अब पूरे पोनीटेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए लाइक टॉप हाफ एंड बॉटम हाफ। अब नियर अबाउट 4 फिंगर्स के डिस्टेंस में टॉप हाफ हेयर सेक्शन को इलास्टिक से टाई कर दीजिए। देन टॉप हाफ हेयर सेक्शन में एक गैप क्रिएट कीजिए लाइक दिस और बॉटम हेयर पार्ट को इस गैप के अंदर से पुल कर लीजिए। अब टॉप हेयर सेक्शन को इलास्टिक से टाई कर लीजिए लाइक प्रीवियस वन और गैप क्रिएट कीजिए और फिर बॉटम हेयर पार्ट को पुल कर लीजिए। इसी सेम प्रोसेस को अपने पूरे हेयर लेंथ के लिए फॉलो कीजिए। अगर आपकी हेयर लेंथ मीडियम या फिर शॉर्ट भी हो तो भी आप इस हेयर स्टाइल को ट्राई कर सकते हैं। आपको बस इलास्टिक्स की गैप 4 फिंगर्स के जगह 2 फिंगर्स या फिर 3 फिंगर्स रखना है। इस सेम प्रोसेस को फॉलो करने के बाद लास्ट में आपके पास इस टाइप के दो हेयर सेक्शन रहेगा जिन्हें आप एक ही इलास्टिक से टाई कर सकते हैं। अब ब्रेड को इस तरीके से पुल कीजिए ताकि ये फुल और वॉल्यूमिनस दिखे। मैंने जितना पुल किया है आप चाहे तो इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू योर चॉइस। नेक्स्ट हेयर स्टाइल के लिए भी मैंने अपने हेयर्स को साइड पार्टीशन कर लिया है और एक फ्रंट हेयर सेक्शन को मैं अलग से सिक्योर करके रख रही हूँ। इसे मैं बाद में सेट करूंगी। अब सारे हेयर्स को साइड में इलास्टिक से सिक्योर करना है। प्रीवियस इलास्टिक से 4 फिंगर्स के डिस्टेंस में हेयर्स को फिर से इलास्टिक से सिक्योर करना है। अब दोनों इलास्टिक के बीच में से एक गैप क्रिएट कीजिए और फिर इस गैप में से पूरे हेयर को पुल कर लीजिए। अब सेकंड इलास्टिक से 4 फिंगर्स के डिस्टेंस में फिर से हेयर्स को इलास्टिक से सिक्योर कर लीजिए और फिर गैप क्रिएट कीजिए और फिर हेयर्स को पुल कर लीजिए। देन सेम प्रोसेस को आपको पूरे हेयर लेंथ के लिए फॉलो करना है। अगर आपकी हेयर लेंथ मीडियम या फिर शॉर्ट है तो फिर आपको इलास्टिक के बीच में 2 फिंगर्स की डिस्टेंस मेंटेन करना है। अब पूरे ब्रेड को इस तरीके से पुल कर लीजिए। अब फ्रंट हेयर सेक्शन को मैं फर्स्ट इलास्टिक को हाइड करने के लिए इस तरीके से यूज कर रही हूँ। ये हेयर स्टाइल भी बहुत ही ब्यूटीफुल, एफर्टलेस एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपको मेरी ये
वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इस वीडियो को आप आपके फ्रेंड्स के साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम किसी में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी हेल्प हो। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के पास के बेल आइकन को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी। इससे आप मेरे कोई भी वीडियोस मिस नहीं करेंगे। अभी के लिए बाय बाय।